आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी, अब कढ़ाई की जो कला है। द वर्क ऑफ एम्ब्रॉयडरी कैन बी सीन ऑन द क्लॉथ्स ऑफ द आइडल्स एंड द स्टैचूज व्हिच वर फाउंड ड्यूरिंग द एक्सकेवेशन ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो। ये जो कढ़ाई का काम है, ये जो भी मूर्तियां हैं या जो भी देवी देवता थे उनके कपड़ों पर देखने को मिलती हैं जब हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खुदाई हुई। द आर्ट ऑफ वीविंग ऑन द क्लोथ्स ऑफ मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन इज फेमस फ्रॉम एंशियंट टाइम। कढ़ाई की ये जो कला है इसे आदमी के, औरतों के या बच्चों के कपड़ों पे देखने को मिल जाएगा बहुत पहले समय से। दिस आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी वॉज सीन ऑन द क्लोथ्स ऑफ मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन इन सिंध, सौराष्ट्र, कच्छ रीजन एट द टाइम ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन। सिमिलरली कश्मीरी वर्क ऑफ कश्मीर इज ऑल्सो वेल नोन। अब यही तरीके की जो एम्ब्रॉयडरी है ये आपको चाहे मेन वुमेन और बच्चे हों उनके कपड़ों पे देखने को मिल जाएगी सिंध में, सौराष्ट्र में, कच्छ रीजन में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे। उसी तरह से कश्मीरी जो कसब वर्क है कश्मीर का वो भी बहुत ज्यादा फेमस है। अपार्ट फ्रॉम एम्ब्रॉयडरी, बंदनी ऑफ जामनगर, जेतपुर, भुज एंड मांडवी ऑफ गुजरात आर वेरी पॉपुलर। इसी तरह से कढ़ाई के अलावा बंदनी जो है जामनगर, जेतपुर, भुज और मांडवी की, ये गुजरात की बहुत फेमस है। द ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ बंदनी विद ऑल इट्स लस्टर एंड ड्यू टू द ब्यूटिफुल डिजाइंस ऑफ एलिफेंट्स, पपेट, डाइस एंड पिक्चर इज वेरी पॉपुलर टूडे। ये जो ट्रेडिशनल स्टाइल है बंदनी का, जिसमें बहुत ज़्यादा डिजाइंस अच्छी अच्छी बनाई जाती हैं एलिफेंट्स की, पपेट्स की, डाइस की या पिक्चर की, ये बहुत पॉपुलर हैं। कॉटेज इंडस्ट्री वॉज टेकन ओवर बाय द वुमेन ऑफ कच्छ एंड सौराष्ट्र इन द रीजन ऑफ गुजरात। तो ये जो लघु उद्योग होते हैं इनको ज़्यादातर कच्छ और सौराष्ट्र के जो रीजन हैं गुजरात में, उन्होंने वुमेन ज़्यादा काम करती हैं। द ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी, तोरण, चखड़ा, पिलो कवर, बेडशीट्स, शाख, टोडलिया, क्लोथ्स लाइक केडिया इज वेल नोन इवन टूडे। तो जो कढ़ाई करी जाती है या जो तोरण, चकड़ा, पिलो कवर, बेडशीट, शाख, तोड़लिया या और कपड़ों पे इस तरह की जो केडिया टाइप की जो डिजाइनें करी जाती है, ये आज भी बहुत ज़्यादा जानी मानी है। एम्ब्रॉयडरी वर्क इज ऑल्सो कैरीड आउट ऑन क्विल्ट एंड शॉल्स विद डिफरेंट डिजाइन। इसी तरह से चाहे रजाई हो, चाहे शॉल हो, सब पे जो है एम्ब्रॉयडरी का काम होता है। एम्ब्रॉयडरी वर्क ऑफ जाफ्ट कम्युनिटी ऑफ बन्नी एरिया ऑफ कच्छ इज यूनिक इन इटसेल्फ। इसी तरह से जो कढ़ाई है जाट कम्युनिटी की बनी एरिया ऑफ कच्छ की, वो भी अपने आप में बहुत खास है। लेदर इंडस्ट्री, स्किन ऑफ डेड एनिमल्स यूज फॉर वेरियस पर्पसेस इन एंशिएंट इंडिया। अब जो जानवरों की खाल थी, मरे हुए जानवरों की, उसका इस्तेमाल भी बहुत पहले से इंडिया में होता चला आ रहा है अलग अलग कामों के लिए। आफ्टर द डेथ ऑफ एनिमल इट्स स्किन वॉज प्रोसेस्ड इन अ ट्रेडिशनल मैनर। जब इन जानवर मर जाता था, जो उसकी खाल है उसको फिर प्रोसेस किया जाता था एक खास तरीके से जो पहले से ही चला आ रहा है। लेदर वॉज प्रोमिनेंटली यूज फॉर मेकिंग मशक, अ लेदर बैग फॉर फेचिंग वाटर। अच्छा, जो मशक कहते थे पहले, उसका इस्तेमाल किया जाता था, उसको लेदर से, चमड़े से बनाया जाता था और उस बैग के अंदर पानी भरा जाता था। एंड कोस, ड्रम, ढोलक, तबला, ये सब भी चीज़ें जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इसी खाल के बनते थे। And the bellows used by blacksmiths and various types of footwear, leather belts to tie animals, etc. इसी तरह से जो blacksmith होता है वो क्या काम करता है, अपनी जो हवा देता है उसके लिए भी जो उसके बेलो है वो खाल का बना होता है। सेम वे अलग अलग तरीके के जूते या चमड़े की बेल्ट, ये सब बनाई जाती हैं। तो जानवरों को इवन बांधने की बेल्ट हैं। लेदर वॉज ऑल्सो यूज टू प्रिपेयर शील्ड विच वॉज यूज ड्यूरिंग वॉर। इसी तरह से इस खाल का इस्तेमाल जो है शील्ड बनाने के लिए भी करते थे लड़ाई के टाइम पे। लेदर इंडस्ट्री हैड अ प्रोमिनेंट प्लेस इन एंशियंट इंडिया। तो लेदर इंडस्ट्री का भी बहुत एक खास जगह है एंशियंट इंडिया से। वेल निटेड मुजादी ऑफ राजस्थान, शूज, लेदर निटेड पर्स, बेल्ट एंड अदर थिंग्स मेड आउट ऑफ द लेदर फॉर हॉर्स एंड कैमल लाइक साज, पालन, लगाम एंड विप वर वेरी मच इन यूज। अब लेदर इंडस्ट्री किसके लिए, जैसे मुजादी जो है बहुत अच्छे से बुनी जाती है राजस्थान की, इस तरह से जूते हो गए या लेदर से बने हुए पर्स हो गए, बेल्ट्स हो गई, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लेदर से बनती हैं। खासतौर से जैसे हॉर्स और कैमल के लिए हम साज है, पालन है, लगाम है, या जो उसको मारने के लिए विप यूज़ करते हैं, वो सब जो है लेदर की बनी होती। अब आता है डायमंड बीड वर्क और इनेमल वर्क। इंडिया हैज 7,517 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन सराउंडिंग ऑल थ्री डायरेक्शंस, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ।
हमारे यहाँ की जो कोस्टल लाइन है वो लगभग 7,500 किलोमीटर से तक लंबी है, और ये ईस्ट वेस्ट और साउथ में है। सो डायमंड्स एंड बीड्स आर अवेलेबल इन प्लेंटी। तो यहाँ पर हमारे यहाँ जो हीरा है और जो मोती है उसकी कोई कमी नहीं है। देयर हैज बीन अ वाइड यूज ऑफ जेम्स एंड डायमंड्स सिंस एंशियंट टाइम्स। बहुत पहले से जो है जेम्स और डायमंड्स का इस्तेमाल होता चला आ रहा है। सिंस एंशियंट टाइम ट्रेड ऑफ डायमंड्स एंड बीड्स वॉज कैरीड आउट थ्रू सी रूट्स विद डिफरेंट कंट्रीज अक्रॉस द सी। बहुत पहले से ये जो व्यापार था डायमंड का या मोतियों का, ये सी रूट के रास्ते करा जा रहा है अलग अलग कंट्रीज में, सब समुद्र के रास्ते होता है। डायमंड स्टड ऑर्नामेंट्स हैव बीन इन ग्रेट डिमांड इन फॉरेन कंट्रीज सिंस लॉन्ग। और इस तरीके से जो ज्वेलरी बनी होती है डायमंड से बनी वाली, जो हीरे के जो हार होते हैं या जो भी ऑर्नामेंट्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा डिमांड में थे फॉरेन कंट्रीज में बहुत पहले से। द वर्ल्ड फेमस डायमंड्स लाइक कोहिनूर एंड ग्रेट मुगल वॉज फाउंड फ्रॉम इंडिया ओनली। जो सबसे ज़्यादा फेमस दुनिया में जो सबसे ज़्यादा फेमस हीरा है कोहिनूर और जो ग्रेट मुगल, ये सब के सब इंडिया से ही मिले हैं। एज इंडियंस आर फाउंड ऑफ डायमंड एंड बीडेड ऑर्नामेंट्स वेराइटी इज फाउंड इन ग्रेट डील। अब क्योंकि इंडियंस बहुत ज़्यादा मतलब एक उनको लगाव है डायमंड से, बीडेड ऑर्नामेंट से, तो ये हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा वेराइटी में पाए जाते हैं। अर्लियर रिच एंड रॉयल पीपल यूज टू वेयर डायमंड ज्वेलरी अपार्ट फ्रॉम गोल्ड ऑर्नामेंट्स। और पहले ज़माने के जो रिच और शाही लोग होते थे वो ज़्यादातर हीरे से बनी हुई ज्वेलरी पहनते थे। गोल्ड तो पहनते ही थे लेकिन इसके अलावा वो हीरे से बनी हुई ज्वेलरी भी पहनते थे। डायमंड्स, रूबीज, बीड्स, एमरल्ड्स एंड टोपाज वर यूज टू अडॉर्न एंड ब्यूटिफाई द थ्रोन्स एंड क्राउन्स एंड ज्वेलरी लाइक ब्रेसलेट्स एंड गार्लैंड एटसेट्रा ऑफ द किंग्स। हीरे, मोती, पन्ना जो होते हैं, कहना चाहिए हर तरीके का जो जेम्स होता था प्रेशियस, उसको पहनते भी थे। साथ ही साथ उनका इस्तेमाल जो है उनके तख्त थे होते थे, उनके ताज होते थे, उनकी ज्वेलरी होती थी, जैसे ब्रेसलेट हो गया, माला हो गई राजाओं की, उसमें जो है सब जड़े हुए होते थे। बीड वर्क इज ऑल्सो फाउंड प्रोमिनेंट इन गुजरात। मोती का जो काम है ये भी गुजरात में बहुत प्रोमिनेंट है। द ब्यूटिफुल बीड टोरंस पच्छिंद पॉट्स बड़ी जो डोर ग्रिल्स फ्रेम्स होते हैं, चकड़ा एक ट्रेडिशनल वॉल पीस है, इसी तरह से डेकोरेटिव कोकोनट यूज्ड एट द टाइम्स ऑफ सेरेमनीज, लग्न या नारियल जो कहते हैं, इंधोनी मोदिया एक नेट है जो कि कवर करता है माउथ बुलक का, हॉर्न्स का, हैंड फेंस, एनिमल बैक कवर आर निटेड इन अ यूनिक आर्टिस्टिक वे। इतनी सारी चीजों के ऊपर बीड वर्क का इस्तेमाल किया जाता है। इंडिया हैज बीन अ लीडिंग कंट्री इन ज्वेलरी सिंस टाइम इमेमोरियल। अब बहुत टाइम से हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ इंडिया ज्वेलरी में सबसे आगे है। इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर एक्सपर्टाइज कैन बी सीन इन इनेमल वर्क अपार्ट फ्रॉम द गोल्ड एंड सिल्वर वर्क। अब इंडिया ही एक अकेली कंट्री है पूरी दुनिया में जहाँ आपको एक्सपर्ट्स मिलेंगे क्या कहते हैं एनेमल वर्क के काम में। गोल्ड और सिल्वर वर्क का तो काम होता ही होता है। इनेमल वर्क मीन्स द आर्टिस्टिक स्किल ऑफ इनलेइंग द ब्राइट कलर्स लाइक रेड, ग्रीन एंड ब्लू इन गोल्ड सिल्वर ऑर्नामेंट्स लाइक रिंग्स, बैंगल्स, इयररिंग्स, की चेन्स, चेन्स एट्सेट्रा। इनेमल वर्क का मतलब हुआ एक बहुत ही कलात्मक तरीके से बहुत ब्राइट कलर्स जैसे रेड, ग्रीन, ब्लू हैं, इन्हें गोल्ड सिल्वर ऑर्नामेंट्स जैसे चाहे रिंग्स हो, बैंगल्स हो, इयररिंग्स हो, की चेन हो, चेन हो, उन सब में क्या कहते हैं वो डालना होता है। एक्सपर्ट्स ऑफ इनेमल वर्क्स आर सीन स्पेशली इन जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी एंड हैदराबाद। तो इनेमल वर्क के जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी या हैदराबाद में मिल जाएंगे। फिर आता है जरी वर्क। जरी वर्क इज सीन इन इंडिया सिंस एंशियंट टाइम। बहुत पहले से हम जरी वर्क का काम भी सुनते आ रहे हैं इंडिया के अंदर। गोल्ड एंड सिल्वर थ्रेड्स आर वूवन विद क्लोथ्स एंड एम्ब्रॉयडरी इज डन विद गोल्ड एंड सिल्वर थ्रेड्स टू डेकोरेट द क्लोथ्स। सोने और चांदी से बने धागे जो हैं उन्हें बिना जाता है क्लोथ्स में, और साथ ही साथ जो एम्ब्रॉयडरी कढ़ाई करी जाती है वो भी चांदी और सोने के धागों से करी जाती है ताकि जो क्लॉथ है उसकी और ज़्यादा डेकोरेशन बढ़ाई जा सके। सूरत इज़ अ प्रोमिनेंट प्लेस फॉर जरी वर्क। सबसे ज़्यादा जरी का काम सूरत में होता है। निटिंग एंड एम्ब्रॉयडरी ऑफ जरदोजी वर्क हैज़ अ यूनिक ब्यूटी। अब इसी तरह से बुनाई का और कढ़ाई का जो काम है जरदोजी का वो भी अपने आप में बहुत खास है और बहुत सुंदर है। Even artisans of Surat could make beautiful dresses like sari, panetar, gharchola, etc. bordered with zari if they needed. जो कारीगर हैं सूरत के वो भी इस तरह की बहुत ब्यूटीफुल ड्रेसेस बना सकते हैं, चाहे साड़ी हो, पनेटर हो, घरचोला हो, जिसमें वो जरी का बॉर्डर जरूरत पड़े तो लगाते हैं।